नमस्ते डियर व्यूवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स के बीच का देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है है ना इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात की ट्रांसड्यूसर्स के रिगार्डिंग प्यारे व्यूवर्स आज हम लोग टोटल फाइव पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने वाले हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स के बीच ओके okay. तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स के बीच वो उनके डेफिनेशन के बीच का है जो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है दैट इज इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच सेंसेस फिजिकल क्वान्टिटी अगर आप सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर क्या है ये जनरली एक प्रकार का डिवाइस है है ना जो क्या करता है फिजिकल क्वांटिटीज को सेंस करता है ओके okay. जनरली अगर आप एक सेंसर की बात करें तो कोई भी इनपुट जो आप दे रहे हो है ना उसको वो क्या करेगा जनरली सेंस करेगा कि भाई ये किस प्रकार का सिग्नल है और फिर उस सिग्नल को बाहर दे देगा जो इंस्ट्रूमेंट उसको रीड करेगा है ना उसको वो प्रोवाइड कर देगा देट इज़ सेंसर लेकिन वहीं अगर आप ट्रांसड यूसर की बात करते हो तो ट्रांसड्यूसर एक्चुअली एक इस प्रकार का डिवाइस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लाइट बल्ब में होता है लाइट बल्ब में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमें लाइट एनर्जी मिलता है है ना तो यहां पर क्या हो रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर ओके सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर जनरली सेंसर इज अ डिवाइस विच सेंसर्स फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करती है और आगे सिग्नल प्रोवाइड कर देती है दूसरा ट्रांसड्यूसर यूसर इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ओके okay, आगे ये आगे. आगे हम लोगों ने इसके कंपोनेंट के रिगार्डिंग बात की अगर आप सेंसर की बात करो तो सेंसर में जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेंसर खुद होता है है ना अगर आप सेंसर्स के मेन कंपोनेंट की बात करते हैं तो सेंसर खुद होता है है ना क्योंकि एक सेंसर है जैसे कि कार का जो सेंसर होता है तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी आसपास से गुजरे तो वो क्या करता, उसको करता है उसको सेंस करता है ना तो मेनली सेंसर में सेंसर ही एक मेन कंपोनेंट होता है लेकिन वहीं अगर आप ट्रांसड्यूसर्स की बात करो तो दो मेन कंपोनेंट्स होता है ट्रांसड्यूसर का एक सेंसर और एक ट्रांसडक्शन एलिमेंट सेंसर क्या क्या करता है ये सेंस करता है कि भाई जो क्वांटिटी आ रहा है वो किस फॉर्म में है? है ना

और ट्रांसड्यूसर की बात करो तो ट्रांसड्यूसर में जनरली दो ब्लॉक होता है एक सेंसर का और एक ट्रांसडक्शन एलिमेंट का सेंसर में आइए सेंसर में क्या होता है जैसे ही आप कोई फिजिकल क्वांटिटी देते हैं सेंसर वो क्या करता है वो इसको सेंस करता है और फिर जो आउटपुट जो सिग्नल है उसको बाहर दे देता है किसको कोई एक इंस्ट्रूमेंट वहां लगा हुआ होता है जो इस सिग्नल को रीड करता है, है ना दिस इज बेसिकली ब्लॉक डायग्राम फॉर सेंसर एंड दिस इज बेसिकली ब्लॉक डायग्राम फॉर ट्रांसड्यूसर इसमें क्या है जो भी इनपुट आपने दिया सेंसर उसको सेंस किया और फिर ट्रांसडक्शन एलिमेंट को सिग्नल प्रोवाइड कर दिया ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा उस सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ओके okay, जो आपको आउटपुट पर मिलेगा नैक्स्ट जो पॉइंट uh, है सेंसर के रिगार्डिंग जो लिखा हम लोगों ने डेट इज सेंसर में नॉट बी ए ट्रांसड्यूसर है ना देखिए सेंसर जो है ट्रांसड्यूसर नहीं हो सकता है ना क्योंकि ट्रांसड्यूसर के पास एक और एलिमेंट होता है जो सिग्नल को अन अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, है ना लेकिन हर एक ट्रांसड्यूसर एक सेंसर को कंटेन करता है जैसा कि लिखा है हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर ऑलवेज कंटेन्स अ सेंसर ओके सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज सेंसर मे नॉट बी ए ट्रांसड्यूसर है ना सेंसर ट्रांसड्यूसर uh, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ऐसा चांसेस रहता है बट ट्रांसिड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर ऑलवेज कंटेन्स अड्यूसर के पास एक सेंसर होना ही चाहिए और अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो पॉइंट एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है एलईडी सेंसर है ना जो जनरली कार्स में लगा हुआ होता है जायरोमीटर uh, है ना एक्सक्लोरोटर ओके okay, ये सब सेंसर्स हैं ठीक ये कुछ एग्जांपल्स है सेंसर्स के और ट्रांसड्यूसर्स में हम लोगों ने लिखा है थर्मो कपल थर्मिस्टर्स ओके okay, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए ट्रांसिट यूसर्स के ओके सो बेसिकली हम लोगों ने फाइव पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर निकाला सेंसर और ट्रांसिट यूसर्स के बीच का ओके okay, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने चूंकि ट्रांसिट यूसर्स को बिल्कुल डिटेल्स में समझा कि भाई ट्रांसट यूसर्स क्या होते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स देखा है ना उसका जो ये एलिमेंट्स uh, है उसको वहाँ पर डिस्कस किए है ना तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो दिस इज़ द Difference between sensors and transducers.